वेलकम दोस्तों आपके चैनल टेक्स्ट में बहुत सारे चैनल दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों आज का हमारा वीडियो दोस्तों जो कि आप दोस्तों यूट्यूब पे एक आप इशू देख पा रहे होंगे कि आप सोचे भाई ये क्या चीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों ये है एक 480p दोस्तों जो कि HD होता है, जो कि 480p दोस्तों HD में माना जाता है। एक सिंपल HD 720 दोस्तों एक HD में आता है और भाई एक 1080 दोस्तों 480 में आता है। दोस्तों आप यूट्यूब पे देख पा रहे होंगे इस टाइम अब फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना इसको आप फुल HD में रन नहीं कर सकते स्मार्टफोन के ऊपर, डेस्कटॉप में, पीसी में, लैपटॉप में या एक अपने टेलीविजन या LED जो कि आपकी चीज है उस पर आप 1080 देख सकते हो। अब दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या है भाई, अभी क्या चल रहा है कोरोना वायरस। तो भाई कोरोना वायरस में दोस्तों YouTube पे दोस्तों इतना ट्रैफिक आ रहा है कि मैं मान रहा हूँ YouTube ने खुद को बताया कि भाई हमारे जो कि ट्रैफिक आता है नॉर्मली जो कि कोरोना वायरस से पहले था, कोरोना वायरस से कुछ महीने पहले हो गया दोस्तों, कोरोना वायरस धीरे धीरे करके थोड़ा सा ट्रेंड में हुआ है, फिर उसके थोड़े से ज्यादा केसेस आए हैं। तो उससे पहले जैसे कि आप मान लीजिए 2019 में मान लीजिए, 2020 चल रहा है नहीं, 2019 मान लीजिए, उससे दोस्तों 50% एक्स्ट्रा दोस्तों ट्रैफिक आ रहा है यूट्यूब पे। तो भाई यूट्यूब के एजेंट तो वहाँ पे है नहीं प्रेजेंट राइट ना, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो अपने होम से जो कि हम उनका घर से मान लीजिए घर पे हम यूज अपने घर पे वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली नेट से कनेक्ट है और भाई जो कि उनका ऑफिस वर्क वो वहीं से हैंडल कर रहे हैं। तो भाई और भाई जो कि आपकी ऑपरेटिंग जो कि भाई टेलीकॉम ब्रांड है जो कि आपके ऑपरेटर है ठीक है, जैसे कि आप किसका भी सिम यूज कर रहे हैं या आप वाईफाई जोन में है, वाईफाई जोन की तो आप बात अलग है। अधिकतर दोस्तों जो कि 95% लोग हैं ना 90% मान 95% से ज्यादा हो जाएगा 90% लोग दोस्तों सिम यूज करते हैं, एक टेलीकॉम की सिम यूज करते हैं। भाई उसको यूज करने से ना भाई जो है ना नेटवर्क दोस्तों वो हैंडल नहीं कर पा रहा है या एक 50% ट्रैफिक दोस्तों यूट्यूब ज्यादा आ रही है। यूट्यूब पे गूगल पे तो आप सर्च करोगे दोस्तों गूगल पे तो और ज्यादा ट्रेंड भी होगा, पर दोस्तों यूट्यूब तो और ज्यादा होगा दोस्तों, यूट्यूब पे ज्यादा लोग हैं एंटरटेनमेंट होते हैं तो उस चीज से यूट्यूब ज्यादा मतलब बर्डन पड़ रहा है। तो उस चीज से दोस्तों यूट्यूब ने इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों और अदर कंट्री के ना उन्होंने भाई ये डिसीजन लिया कि उसको 480 पे शिफ्ट रखिए, क्योंकि टेलीकॉम पे दोस्तों टेलीकॉम जो आपकी सिम है ना जो कि अपन नेटवर्क है भाई उस पर एरर आ रहे हैं यार, इतनी चीज एक साथ हैंडल करना एक इम्पॉसिबल सा वर्क है जो कि एक ब्रांड के लिए है। हाँ अगर आपके पास वाईफाई है ना दोस्तों वाईफाई जैसे आप पता है अनलिमिटेड चीज होता है दोस्तों, वाईफाई एक वायर्ड होता है वही एक ईसीम दोस्तों एक सैटेलाइट से कनेक्ट होती है आपके नियर बाय टावर से कनेक्ट होती है तो वो चीज दोस्तों उस चीज पे होती है ठीक है। तो भाई एक वाईफाई दोस्तों इससे एक सिम बराबर नहीं कर सकती तो आप उसको कंपेयर मत करिए वाईफाई से और इससे। तो भाई लिमिटेशन तो आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे तब भी आपको 480 ही मिलेगी। और भाई पता है यार एक तो जो कि आपको यूट्यूब दोस्तों एक ऐप है, एक आपका मतलब एक स्टेशन है दोस्तों जिसपे आप अपने सारे वर्क कर पा रहे हो, स्टेशन जहाँ पे आप रुक के सब कुछ कर पा रहे हो देख पा रहे हो तो उस पर ज्यादा बर्डन ना पाए इसलिए दोस्तों यूट्यूब ने उस पर 480 पे शिफ्ट किया दोस्तों। ये मानता हूँ समथिंग 15-20 दिन दोस्तों कम से कम रहेगा और आप 480 में देख पाएंगे। हाँ अगर आपका लैपटॉप है ना और लैपटॉप है आपके टेलीविजन है आपके स्मार्ट टीवी है जो घर में आप उसमें फुल HD में देख सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक स्मार्टफोन में लेते हो आज के टाइम स्मार्टफोन को पता है आपको कोई लैपटॉप में ज्यादा कुछ मतलब स्मार्टफोन यूज ज्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड देख लीजिए आप और इंडिया देख लीजिए मतलब 80% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं ज्यादा लैपटॉप या वो डेस्कटॉप के अलावा। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ है ना नेटफ्लिक्स में अमेजोन प्राइम में और इस चीज़ में दोस्तों इस चीज़ में अप्लाई हो रही है वो भी अपना फुल HD कंटेंट सर्फ नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ है। तो उस चीज़ पे लिमिटेशन लगाई क्योंकि डाटा पे इतना लोड ना पड़े, टेलीकॉम ब्रांड दोस्तों प्रॉपरली वर्क करे, अगर दोस्तों ऐसे कुछ रहा ना वही टेलीकॉम सेक्टर फिर पूरा बंद हो जाता फिर दोस्तों, मतलब एजेंट तो वहाँ पे है नहीं सारा AI से काम चल रहा है तो AI कब तक हैंडल करेगी, वो अपने घर बैठ के घर अच्छी तरह से वो ऑफिस का वर्क संभाल रहे तो इतना ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है, उनके पास ज्यादा थोड़ी सी सर्विस नहीं है। तो भाई इस वजह से थोड़ा सा वो लगाएगी आपके ऊपर लिमिटेशन, ऐसे कुछ मत मानिए कि आपको परमानेंट आपके 480p सर्व कर पाएंगे फोन के अंदर सर्व कर पाएंगे तो ये चीज नहीं है। आप वैसे देखो 480p रेजोल्यूशन कम नहीं होता, आपने देखा होगा तो जो कि आपके पहले MediaTek चिप छटा देते तो उस फोन तो आपको 480p का ही रेजोल्यूशन मिलता था जो कि लास्ट होता था। तो एक HD आपके पिक्सल फटेगी उस चीज में, आप दिक्कत मत लीजिए आपको जो कि पिक्सल साइज है वो फटेगा नहीं आपके फोन में, अगर आप कोई भी देख रहे हो 480p दोस्तों इनफ होता है तो आप उस पर डाटा रन कर सकते हैं आपका। तो भाई इससे हम खुद को प्रॉफिट है चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, क्योंकि दोस्तों जितना लोड पड़ेगा ना उधर कई बार आप यूट्यूब पे देखते होंगे आप वीडियो चलाते हो ऑटोमेटिक चल चलते दोस्तों एरर आ जाता है भाई वो एक सिम का जो कि आपका सर्वर रन कर रहा है ना वही क्रैश हो रहा है बार बार दोस्तों, नेटवर्क क्रैश होना दोस्तों बहुत बुरी बात है दोस्तों। अभी अगर नेटवर्क बंद हो जाए ना सभी की नेटवर्क क्रैश होने लग जाए अगर आपके फुल HD में सब रन कर रहे हैं दोस्तों, अधिकतर आप पता है आज के टाइम सभी पास 1.5 GB या 2 GB डाटा मिलता है आप लोग उसको
बिंदास यूज करते हैं, 1000 पे चलाते हैं, 1080 पे, 720p पे तो मिनिमम रहता है, 180p तो मैक्सिमम तो है ही स्मार्टफोन के अंदर। और डेस्कटॉप में तो आप वो कहते हैं UHD चला सकते हैं, जो कि आपको 1440 चलता है, वो एक डेस्कटॉप में आपका जो कि एक ओलेड स्क्रीन होगा जो कि आपके कंप्यूटर में उसमें देख पा रहे। फोन फोन में आपके 480 1080 लास्ट होता है, ठीक है, 480 में अभी आप रन कर पाने। तो अगर सर्वर क्रैश होने लगे दोस्तों इस टाइम है कोरोना वायरस टाइम, कोई भी घर में नहीं टिकेगा, तो इस वजह से इस चीज को सोच के दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने और टेलीकॉम सेक्टर के एजेंट ने, जो कि उनके मैनेजर बोल सकते हैं, उनके एजेंट ने बताया कि भाई ये चीज हो रही है, भाई इससे आने के टाइम बहुत खतरा हो सकता है, तो उस चीज को समझिए और भाई इस चीज पे अपना फोकस करिए कि आप 480 पे ही अपने हो पाए फोन को इतना ही चला पाएंगे आप, और आपका डाटा भी कम कंज्यूम होगा, तो आपको बेनिफिट है इससे। और बस इतना ही था, और ज्यादा कुछ समझाने को इसमें है नहीं। और मैंने यार देखो दोस्त ये प्रॉब्लम है ना मेरे को परसों शाम से आ रही है, परसों शाम से दोस्तों ये चीज लागू हुई है, तो भाई मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि यार आपका नेटवर्क क्रैश नहीं होगा, जिनका भाई आपका जिनका सिम से कनेक्ट है। और दोस्तों वाईफाई जोन की बात बताएं, भाई वाईफाई में आप कितना भी नेट यूज कर लो, वाईफाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों एक वायर्ड कनेक्शन दोस्तों वाईफाई एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क इंटरनेट के तौर पर, जो भी आप इंटरनेट रन करते हो एक सिम के अलावा, ठीक है। मान लो कई जगह आपको वाईफाई स्पीड कम मिलेगी, सिम भी ज्यादा हो जाती है, जहाँ उनको प्रॉपर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र होता है, जो मतलब जहाँ पे आपको प्रॉपर नेटवर्क आपका सिम मतलब कवर कर पा रहा है आपके, चाहे वो आपको शहर हो सकता है, कई बार वहाँ पे वाईफाई की रेंज कम हो जाती है, तो पर दोस्तों वाईफाई रेंज मतलब 90% दोस्तों उसकी कुछ कम नहीं होती, वो एक वायर से कनेक्ट होता है दोस्तों, फिर वहां से आप प्रॉपरली जो आपके जो है जो कि आपके 5-6 फिट या 2-3 मीटर के अंदर दोस्तों आपको सबसे बेस्ट स्पीड वहां पर प्रोवाइड हो जाती है। तो एक वाईफाई सिम से कंपेयर नहीं कर सकता, पर आप वाईफाई में भी फुल एचडी का रन नहीं कर पाएंगे, और लैपटॉप में दोस्तों आप फुल कर पाएंगे, चाहे आपको नेटफ्लिक्स का अकाउंट वहां पर डाल लीजिए, अमेजोन प्राइम का वहां डाल लीजिए, वहां पर आप अपने फुल एचडी में कॉन्टेंट देख सकते हैं। तो यही चीज थी यार, इधर तो कुछ समझाने को था नहीं, तो भाई नेटवर्क क्रैश होगा इससे, और तभी यूट्यूब ने शिफ्ट किया है 480 में, तो अपना ही फायदा है, डाटा भी कम मतलब यूज होगा, मतलब आपका कंज्यूम कम होगा डाटा, और आपको ही उसकी प्रॉफिट मिलेगा। और डाटा सेवर आप अपने फोन में ऑन कर लीजिए, उससे भी आप कुछ 100 या 50 MB 150 या 100 MB आपको 1 GB में से बच जाएगी, तो आपको 10% हिस्सा वहां से बच जाएगा, तो आपको वो एक बहुत बड़ा एक 150 MB बहुत होती है, ठीक है ना। पर दोस्तों किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ नहीं है, तो इस चीज लिए है। तो दोस्तों बस दोस्तों आपको वीडियो चाहिए, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, तो भाई वीडियो पर लाइक का टारगेट 50 लाइक का कमेंट कर दिया।